हाय गाइस, आई एम टेक्निकल रोज। तो आज के वीडियो में काम का नॉलेज मिलने वाला है फ्रेंड। अगर आपके घर भी मोटर समर्सिबल पंप है तो आप एक बात जान लीजिए, आपके समर्सिबल स्टार्टर पैनल में इस तरह का तो मीटर होगा ही। ये देखिए, इस तरह का स्टार्टर है। स्टार्टर में, हर स्टार्टर में एम्पियर मीटर लगा होता है। तो एम्पियर मीटर में अगर आपका यानी कि 2 HP समर्सिबल है तो आपका 10 एम्पियर पर चलता होगा। हमेशा की तरह 10 एम्पियर पर चल रहा है तो मान के चलिए आपका मोटर बिल्कुल सही है। अगर एम्पियर आपका ले रहा है 20 या 30 या 15 तो उस सब ऐसे में अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आपको क्या करना है कि आप कैसे जान सकते हैं कि मोटर आपका जला है या नहीं जला है। अगर आपका एम्पियर ले रहा है 15 यानी कि पहले से आपका एम्पियर 10 पर चल रहा था, तो गाइस ऐसे में अगर आपका एम्पियर 15 ले रहा है तो आप जान सकते हैं कि आपका मोटर शॉर्ट हो चुका है। अगर आप चेक करेंगे तो आपका मोटर जला हुआ नहीं बताएगा, यानी कि जला हुआ नहीं है लेकिन फिर भी वो शॉर्ट हो चुका है। ऐसे में अगर आपको क्या करना है, पहले आप अपने स्टार्टर पैनल में कैपेसिटर बदले, जो भी उसमें कैपेसिटर लगे होंगे आप उसको न्यू लाकर बदल दीजिए। ऐसे में भी अगर आपका एम्पियर 10 था और अभी भी जा रहा है 15 तो आप मान लीजिए कि आपका समर्सिबल शॉर्ट हो चुका है। अगर ऐसे में अगर 20 जा रहा है, ये देखिए, ऐसे में अगर 20 एम्पियर जा रहा है या 30 जा रहा है तो मान के चलिए आपका समर्सिबल मोटर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, यानी कि जल चुका है ज्यादा। अगर 15 एम्पियर है तो भी आपका मोटर बचने का चांस है, हालांकि उसे बाहर निकालना होगा और जो भी वाइंडर होंगे, जो भी मिस्त्री होंगे, आप उनके पास ले जाइए या तो आप अपने से भी उसको चेक कर सकते हैं। अगर पहले से आपका एम्पियर 10 पर चल रहा था, पानी भरपूर दे रहा था, और अब आपका एम्पियर 15 ले रहा है यानी 20 ले रहा है या 30 ले रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो सिंपल आपको समर्सिबल बोरवेल से बाहर निकालना है और सारे केबल को खोल देना। समर्सिबल का ऊपर 1.5 मीटर का वायर होता है, केबिल होता है, तो आप वहां से टेप को खोल दें, जो कच्ची टेप पक्की टेप लगाए होता है, जो पानी के अंदर डाला जाता है बोरवेल में, उससे पहले कच्चा टेप और पक्का टेप यानी सेलो टेप उस पे चिपकाया जाता है कि ज्वाइंट के अंदर पानी न जाए। आप वहां से उस ज्वाइंट को खोल दीजिए और आपको क्या करना है कि पूरा केबिल को भी खोल दीजिए, स्टार्टर पैनल से भी केबिल पूरा खोल दीजिए। और सबसे पहले आप सेलो टेप और कच्ची टेप लगाया होता है, आप जहां से ज्वाइंट खोले हैं आप वहां जोड़िए, सीधे स्टार्टर पैनल के पास आप जोड़िए, नजदीक हो जाएगा, आप वहां ले जाएंगे। तो उसके बाद आप चालू कीजिए। अगर एम्पियर आपका वैसे ही अगर आप 30 जा रहा है या 20 जा रहा है तो आपका समर्सिबल मोटर खुलेगा, यानी कि आपका मोटर जल चुका है। और फ्रेंड, अगर आपका एम्पियर 0 यानी कि 4-5 एम्पियर पर चल रहा है तो मान लीजिए कि आपका समर्सिबल मोटर बिल्कुल सही है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर फिर भी अगर आपका समर्सिबल मोटर का एम्पियर चढ़ रहा है 10 या 15 खाली में भी, यानी कि आप समर्सिबल को खोल चुके हैं, बोरवेल से बाहर निकाल के पंखी से अलग कर चुके हैं, वायर को जोड़ के आप चालू करते हैं, तो अगर 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, नॉर्मल अगर 2 एम्पियर पर भी अगर आपका समर्सिबल मोटर चल रहा है तो आपका मोटर बिल्कुल सही है, गुड। अगर आपका भी अभी भी मोटर एम्पियर जा रहा है 10 या 15 जा रहा है एम्पियर, 10 अगर आपका एम्पियर 10 या 15 जा रहा है या 20 जा रहा है, तो मान के चलिए कि आपका समर्सिबल ऐसे में जल चुका है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल जल चुका है। फ्रेंड, अगर आपको जरा से भी ये नॉलेज अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह का कंटेंट मैं जब भी लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप देख सकें मेरा वीडियो सबसे पहले। आगे बात करने के लिए तो फ्रेंड बहुत से बात है, लेकिन आज के वीडियो बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।